वेलकम टू मनीषाज किचन। इस बार की रेसिपी है मसालेदार वेजिटेबल जलफ्रेजी। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए मिक्स वेज। इसमें मैंने लिए हैं गाजर, बीन्स, आलू, कैप्सिकम, फूलगोभी, बेबी कॉर्न। इनको पतले स्लाइसेस काट लिए हैं मैंने। अब एक पैन में मैं बटर डाल दूंगी। अब इसमें ये वेजिटेबल्स डाल के मैं इनको स्टिर फ्राई करूंगी हाई में। फ्लेम आप हाई रखें। चार से पांच मिनट काफी है इसके लिए। अब हम फिर से पैन गरम करेंगे, उसमें बटर डाल दूंगी मैं। आप ऑयल में भी बना सकते हो, बट बटर का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसमें मैं कटे हुए, बारीक कटे हुए प्याज डाल दूंगी। इसी में मैं अदरक, ग्रेटेड अदरक और हरी मिर्च डाल दूंगी। आप इसमें गार्लिक भी डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है। इसको थोड़ा सा गोल्डन होने तक मैं भूनूंगी। अब इसमें मैं ये चॉप टोमेटोज डाल दूंगी। इसको भी हम थोड़ी देर भुनेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें। दो तीन मिनट में जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, तब हम इनमें टोमेटो प्यूरी डाल देंगे। गैस आप मीडियम पे रखना। इसको कवर करके थोड़ी देर कुक करेंगे इसको। ये टोमेटो प्यूरी मैंने घर में ही बनाया था। टोमेटो को उबाल के फिर उसके स्किन निकाल के और पीस लिया। अब हम इसमें मसाला डाल देंगे। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर। आपके पास कश्मीरी रेड चिली पाउडर हो तो आप वो भी डाल दो, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। जीरा पाउडर, गरम मसाला, ये स्पाइसी है तो थोड़ा मिर्च और गरम मसाला अच्छा डालें। सॉल्ट कम डालें क्योंकि हम बटर में बना रहे हैं, बटर में ऑलरेडी सॉल्ट होता है। और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालें। कसूरी मेथी को हाथ में रब कर लेंगे और फिर उसको हम डाल देंगे इसमें। ये भी फ्लेवर के लिए ही होता है। इसको और भून लेंगे हम। थोड़ा सा हम इसमें टोमेटो केचप डालेंगे, इससे एक टैंगी फ्लेवर आता है। या तो आप शुगर डालना चाहें शुगर डाल लें। अब हम ये वेजिटेबल्स इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल्स आप अपनी चॉइस की भी ले सकते हो, आप मशरूम भी डाल सकते हो इसमें। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। आधा ग्लास पानी डाल दें आप इसमें। और आपको लगे तो और पानी डाल दें अगर ग्रेवी आपको थिक लग रही है। अब हम इसको कवर करके 5 to 6 मिनट्स के लिए इसको मीडियम फ्लेम में रख देंगे। जब तक कि सब्जियां आपकी कुक ना हो जाएं, ज्यादा कुक भी नहीं करना है। इसमें अब मैं 2 टेबलस्पून क्रीम डाल दूंगी। ये मेरा बन गया है। आप इसमें धनिया पत्ती डाल के इसको अच्छे से गार्निश करें।
आप जरूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं आपकी डिश कैसी बनी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।